हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोपाल जी के लिए इस तरह के पोशाक बनाने वाले हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर है। हमने साथ में पटका बनाया है और ये धोती ड्रेस है हमारी। देखिए, बहुत ही सुंदर हमने ऑरेंज कलर में बनाई हुई है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो अभी हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल को पहना करके आपको पोशाक दिखाने वाले हैं। ये 5, 6 और लगभग 7 में शायद आ जाए, कन्फर्म मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन 5 और 6 में तो आप आराम से डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम डाल देंगे, डाल करके इसको पीछे कर देंगे। पीछे करके इसको इस तरह से हमने रबर लगाया हुआ है इसमें। और ये देखिए, पीछे अभी हमने वेलक्रो नहीं लगाया हुआ है, अभी लगाना बाकी है, हम एंड में लगा देंगे इसको। इसको इस तरह से हम पीछे कर देंगे और पीछे करने के बाद में ये देखिए इस तरह से जब वेलक्रो हम लगाएंगे यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी हमारी और ये पूरा हमारा कमर कवर हो जाएगा। देखिए कितनी पीछे अच्छे से लुक आ रही है। और जब पटका पहनाएंगे हम, तो इस तरह से ये पटके को इस तरह से हम रख देंगे। रखने के बाद में ये मैं पीछे पहले अटैच कर लेती हूँ। पीछे से हमने अटैच कर दिया है, यहाँ पर अभी पिन लगा दिया है, लेकिन पीछे का ये लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो ये हमारा फीता है, इसको अच्छे से हम साइड से इसको इस तरह से खींच देंगे। और ये देखिए, इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे। इस तरह से हमारी धोती की फिटिंग अच्छी आ जाएगी। और ये देखिए आगे से लुक इनका। और जब पटका पहनाएंगे ये, तो हम इस तरह से ये इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको ये हाथ के हम नीचे रख देंगे। और ये इस तरह से हमारा लुक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। कितनी प्यारी और सुंदर लुक आ रही है इनकी। तो ये हमारा ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये ड्रेस हम कैसे बना रहे हैं। तो हमने 2 तरह के फैब्रिक लिए हैं, एक अस्तर वाला लिया है और एक हमने जो कपड़ा हम डालेंगे वो लिया है हमने। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 5 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है 10 इंच। और हमने इसी के नाप का अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और ऊपर से हमने ये क्लोथ लिया है जिसका हम बनाएंगे। अब इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे। करने के बाद में इसकी हम गोलाई छाट लेंगे। इधर से पोर्शन हमारा खुला है, इधर से ही हम गोलाई छाटेंगे। इस तरह से करके हम इसकी गोलाई पहले छाटते हैं। हमने इसकी गोलाई छाट ली है, अब इसको इस तरह से हम पहले खोल देंगे और खोलने के बाद में सीधा उल्टा देखते हुए हम कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। पहले इधर से हम चारों साइड से ये किनारी को जितना हमारा गोल सर्कल है सब में हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा नहीं सही है कपड़ा, हम सिलाई लगा करके फिर आपको आगे बताएंगे। हमने इसको सिल दिया है। सिलने के बाद में इसका हम सेंटर देख के इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। ये मार्क हम बीच में लगा देते हैं निशाना के लिए। यहाँ पर भी हम पहले सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा लाइन दिख रहा है, लाइन के हम साइड साइड सिलाई लगा लेंगे। इसको हमने सिल दिया है। सिलने के बाद में इसको हम बीचों बीच कट करेंगे। इसको हम कट कर दिए। कट करने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से।
तो ये इस तरह का हमारा शेप आ जाएगा। इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। हमने इसको सिल के पलट के रेडी कर दिया है और हमारा एक साइड से अभी ये खुला है दोनों में, और इसको सिलने के बाद में हमारा इस तरह का लुक आना चाहिए। इसके बाद आप अगर चाहें तो इस पर कोई भी लेस हो तो उस पर आप लगा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये लॉक कर दिया इस साइड में नहीं, जिस साइड में हमारा एक साइड खुला है और एक साइड लॉक है, ये दोनों साइड में हमें इसको रिबन से लेस से इस तरह से इसको लॉक करना है। इस तरह से हम इसको पहले लॉक करेंगे। इस तरह से लॉक कर लेंगे करके दोनों को सेम करना है करके, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह से हम सबको लॉक करेंगे पहले। आपने देखा कि हमको हमने किस तरह से इसको लॉक किया है, तो एक परत को हमने लॉक कर दिया। इसी तरह से दूसरे को भी हम करके फिर आपको दोनों एक साथ आगे बताएंगे। हमने दोनों को सिल के लेस लगा करके इस पर रेडी कर दिया। इस पर अब हमें प्लेट लगाना है। तो प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में इस तरह से प्लेट लगाएंगे। एक प्लेट दिया हमने, दो प्लेट दिया, एक और प्लेट देंगे, तीन प्लेट यहाँ पर देंगे, और इसके बगल वाला प्लेट है ठीक इसके विपरीत देंगे, उल्टा देंगे। एक दो, एक ये लास्ट में हमारा यहाँ पर तीन हो जाएगा। लेस के बगल में हमें इस तरह से प्लेट देना है। दोनों पर हमें इसी तरह से प्लेट दे लेंगे, फिर आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से हमने एक प्लेट दे दिया। अब देख सकते हैं कितना ही अच्छा इसका चुन्नट आया है और हमारा ये नीचे का पैर हो जाएगा। अब हम दूसरा जब दे लेते हैं फिर इसके आगे आपको बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। हमने दोनों परत को इस तरह से रेडी कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा एक के ऊपर एक चढ़ा करके थोड़ा सा हल्का सा हमें सिलाई करना है। मैं वो भी सिल के आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हमें सिलना है। इस तरह से हमारा नीचे का ये धोती तैयार हो गया है। अब इसके आगे हमें क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको। अब धोती के आगे लगाने के लिए हमने जो लिया है क्लोथ उसकी लंबाई हमने रखी है 3 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है, और इसी के नाप का हमने फैब्रिक ले लिया है अस्तर वाला कपड़ा पीछे से। अब इसको इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे। करने के बाद में इसको मार्क लगाएंगे इस पर इस तरह से तिरछा। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा तिरछा इधर से भी लगाएंगे हम। लगाने के बाद में इसको इस तरह से हम कट लगा देंगे। इस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे। इस तरह की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको उल्टा करके हम इस तरह से किनारी किनारी सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा करके फिर मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। अब इसको हम आराम से धीरे से पलट लेंगे। देखते हैं हाथ से पलटा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी चीज की मदद ले करके भी इसको पलट सकते हैं। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। जितना भी सिलाई हमारा अंदर गया है सबको हम निकाल लेते हैं। अब इस पर भी हम लेस लगा लेंगे। अगर चाहें तो आप इसे पतला वाला लेस रखे हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी लेस आप लगा सकते हैं। तो आइए मैं लेस लगा लूँ इस पर भी। तो लॉक कर लेती हूँ मैं पहले।
हमने सिलाई करके इसको रेडी कर दिया है। अब इसको यहाँ पर हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये दोनों धोती के बीच में जो हमने सिलाई लगाई है यहीं पर अटैच करेंगे इसको। इसको भी हमने अटैच कर दिया है। अब कमर पर हम कपड़ा लगाएंगे। इसकी पहले लंबाई देख लेते हैं, कमर की हमारी लंबाई कितनी हो रही है। ये 7 इंच हमारी लंबाई हो रही है, तो हम 8 इंच कपड़ा ले लेंगे। उरेवी कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं, हम प्लेन ही कपड़ा लेकर के इस पर कमर पर लगा देंगे। कमर के लिए कपड़ा जो लिया है उसको पहले थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करके इसको हम उल्टा साइड से इस तरह से लगाएंगे, सिल लेंगे। और लास्ट में हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा है इसको भी इस तरह से हम फोल्ड करके सिल लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके पलट देंगे। पलटने के बाद में इसको इस तरह से कर देंगे। अगर आप रस्सी चाह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर रस्सी भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसमें डोरी डाल लेते हैं। एक साइड से हमने इस पर सिलाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस साइड से इसको हम फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें चाहे आप रबड़ लगाना तो रबड़ भी लगा सकते हैं, अगर चाहे रस्सी लगाना तो रस्सी भी लगा सकते हैं। अगर रस्सी लगाना है तो रस्सी लगा करके पलट करके इस पर आप सिलाई लगा देंगे। अगर रबड़ लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये पतला हमने इलास्टिक लिया है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हम सिल लेंगे। इसको इस साइड से हम सिलेंगे। और जो हमने सिलाई लगाया है इसके नीचे से ही हम इसको सिलेंगे। एक बार और हम इस पर सिल लेंगे। अब इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक हम खींच के जितना आप कमर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रखेंगे। तो हम आधा भी रखेंगे तो ये हमारा खींच के ठाकुर जी के कमर में आ जाएगा। इस तरह से ना ही ज़्यादा पहनाने में टाइट होगा ना ही ज़्यादा लूज होगा। तो यहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के हम कट कर रहे हैं इसको। और इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको भी हम सिल लेंगे। जैसे इसको हमने सिला है वैसे इसको सिल लेते हैं। अब देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम खाली ये जो हमारा कपड़ा है ये खाली कपड़े पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी फ्रेंड्स इसकी। तो मैं सिल लेती हूँ कमर, इसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई हो गया है और ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब पहले इसके ऊपर का चोली बता देते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। चोली वाला जो हमने कपड़ा लिया है उसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई इसकी लगभग 2.5 इंच है। पहले एक साइड से इसको हम सिल लेंगे। हमने ऊपर में ये चोली सिल करके रेडी कर दिया है। अब इसको यहाँ पर हम सेंटर देखते हुए इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिल देंगे और ऐसा सिलेंगे कि हमारा रबड़ भी स्टिच ना होने पाए। तो आइए इसको इस तरह से फैला करके हमें सिलना है। तो आइए मैं सिल लेती हूँ। और एक तरीका है इसमें, इसको अगर आप चाहें तो ऊपर से भी सी करके इस तरह से उल्टे साइड से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऐसे भी लुक आएगी इसकी। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे इसको सिल दीजिए। तो मैं इसको इस तरह से अटैच कर लेती हूँ, करके फिर आपको आगे बताऊँगी।
अब देख सकते हैं पीछे की सिलाई हमने किस तरह से सिला है। इसको सेंटर में लेते हुए और इस तरह से हमने सिल दिया है। सिल करके इसको रेडी कर दिया है। अब जो कमर पर हमने ये पहले वाली सिलाई लगाई थी रबर लगाने से पहले, इसको चाहेंगे तो आप खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा अच्छे से फाइनली नीचे वाला स्टिच हो चुका है, तो ये हमारा दिखाई न दे, तो इसको आप उधेड़ सकते हैं इस तरह से। और देखिए यहाँ पर हम कुछ डेकोरेट करेंगे। इस तरह की गोल्डन मोती ली है हमने, इसको यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगा देंगे। हमने इस पर लगा करके इसको डेकोरेट कर दिया है। अब कितना प्यारा और सुंदर देखिए इसका हैवी लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा। ये ऊपर से हम पहना करके गले में बांध देंगे। अब बांधने के बाद में इसको पीछे से यहाँ पर वेलक्रो लगा देंगे हम चिपकाने के लिए। इस तरह से यहाँ तक हम चिपका देंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक आ जाएगी। अब आइए इसके साथ का पटका बनाने को बताएंगे हम आपको। पटके के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसकी लंबाई चौड़ाई एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी इसकी लंबाई हमने रखी है। 12 इंच इसकी हमने लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 2.5 इंच रखी है इस तरह से। अब इसको हमें क्या करना है कि इस तरह से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरह से हमें करना है। करने के बाद में इसको हमें कट लगाना है। यहाँ से हम इसको तिरछा कट लगाएंगे इस तरह से। हम तिरछा कट लगाएंगे फिर यहाँ से हम फिर इस साइड से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद में यहाँ से भी हम कट लगाएंगे। देख लेते हैं ये कैसा हुआ है। इसके बाद जैसा होगा वैसा हम और भी इसमें कटिंग कर देंगे। इस तरह के देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब जैसा हमारा कटिंग हुआ है इसी तरह से अब हम सिलाई करेंगे इसकी। थोड़ा सा और हमें यहाँ पर तिरछा कट करना है। इस साइड से भी हम ऐसा ही कर लेंगे। इसको हम सिलाई लगाएंगे तो इस पर भी हम लेस लगाएंगे, तो अगर आप चाहें तो बिना इसको सिलाई किए ऊपर से भी इस तरह से लॉक करते हुए इस तरह से आप सिलाई इसको लगा सकते हैं कि एक साथ में हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊंगी। पूरे पट्टी को हमने सिल दिया है। जब लास्ट में आएंगे लेस के पास में तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा कट करके फोल्ड कर दिया हमने। फोल्ड करके इस तरह से पलट के इस पर सिलाई लगा देंगे। साथ में हमने ये पटका भी बना करके रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वही वाला बटन लगा दिया है इस तरह से। और ये ड्रेस भी हमारा बन के रेडी है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल में पहना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।